नमस्कार, रेना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पृथ्वी का रायता। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या लिया है। पृथ्वी का रायता बनाने के लिए मैंने ये एक जोटी बथुआ लिया है, जिसको मैं काट के और कुकर में बॉयल कर लेती हूँ। और इसके लिए मैंने ये 4 हरी मिर्च ली है, और ये 10-12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, और 1 चम्मच मैंने ये जीरा लिया है, और ये छोटी कटोरी में 1 छोटी चम्मच घी लिया है, जो कि रायते को तड़के लगाने के काम आएगा, और नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और मैंने ये बड़े बाउल में ये दही लिया है, क्योंकि ये दही घर पे बनाई हुई है। देखिए गैस, मैंने ये बथुए को काट के कुकर में डाल के गैस पे रख दिया है। इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ, और इसको 1 सीटी आने तक इसे पकने देती हैं। कुकर को बंद कर दिया। अब इसको 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देते हैं। देखिए गैस, मैंने बथुओं को उबाल लिया है, और इसको मैंने हाथ से थोड़ा सा टाइट टाइट निचोड़ लिया है, इसका पानी निकाल लिया है। अब इसको हम दही में मिक्स करते हैं, पर दही को पहले मैं इसे थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। इससे थोड़ा सा दही को पतला कर लेते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। घर पे बनाया हुआ दही है, तो ये दही और पानी थोड़ा अलग अलग हो रहा था। अब देखिए ये दही अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ये बथुआ डाल देती हूँ। और इसमें ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और इसमें नमक डाल देते टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये मिक्स हो गया है, इसका अच्छे से मैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। और मैंने ये छोटी कटोरी में घी लिया था, इसको हम गरम कर लेते हैं। घी को गरम कर लेते हैं, इसको छोटी कटोरी को रख दिया है। अब ये अच्छे से गरम हो जाएगा घी। ये घी अच्छे से गरम हो गया है, मैंने ये 1 चम्मच जीरा लिया था, ये इसमें डाल देते हैं। ये जीरा भुन गया है, गैस को कर देते हैं बंद। गैस को बंद करके और इसको कटोरी को उठा लेते हैं, इसके अंदर छोड़ देते हैं, 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं साइड में, क्योंकि ये तड़का इसको अच्छे से इसमें फैल जाए। गैस 10 मिनट हो गई है, अब हम अपनी प्लेट को हटा लेते हैं और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है, और ये हमारा रायता बन के तैयार है, जिसे हम एक कटोरी में सर्व के लिए डाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टफुल होता है। देखिए गाइस, ये अच्छे से बन के तैयार हो गया है। गाइस ये रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।